जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है इस वीडियो में, जो जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एंट्रांस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेटा 2006 में और 2011 में उनमें से दो पॉइंट्स एंट्रांस में पूछे गए थे। हम देखते हैं यहाँ पे वो कौन सी टर्म्स हैं। देखिए बेटा, अगर हमें आगे फ्लावर की रिप्रोडक्शन पढ़नी है, उस रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें उन टर्म्स का पता होना लाजमी है। देखिए बेटा, सबसे पहली वाली जो टर्म हमारे पास है वो है हाइपोएंड्रस कंडीशन। देखिए बेटा, हाइपोएंड्रस, ANDROUS, हाइपोएंड्रस कंडीशन। देखिए, हाइपो का मतलब होता है बिलो, यानी कि जब कोई सब्सटेंस या कोई चीज कम होती है साइज में या मिकदार में कम होती है उसको हम बोलते हैं हाइपो। देखिए, हाइपो मीन्स कम, बिलो, एंड्रस मीन्स एंड्रोशियम। हमें पता है कि जो फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है जिसे हम एंड्रोशियम बोलते हैं, यही मेल सेक्सुअल पार्ट ऑफ ए फ्लावर होता है। देखिए, हाइपो एंड्रस कंडीशन, फ्लावर में एक ऐसी हालत होती है, ऐसी कंडीशन होती है जब फ्लावर में जो एंड्रोशियम है ये साइज में कम होता है एज कंपेयर टू गाइनोशियम। देखिए बेटा, जैसे हम यहां पे दिखाएंगे गाइनोशियम को, अगर हम थोड़ा लंबा करके दिखाएंगे बेटा, इधर के ये है हमारे पास गाइनोशियम। देखिए, गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट, ये जो है ना ये लंबा है। आप देखिए, ये गाइनोशियम लंबा है, एंड्रोशियम इससे छोटे हैं। तो जब एंड्रोशियम छोटा होता है गाइनोशियम से, इसी कंडीशन को हम तो बोलते हैं हाइपोएंड्रस कंडीशन, कि एंड्रोशियम तो साइज में कम होता है। बस क्लियर हो गया। चलो बेटा, दूसरी जो हमारे पास टर्म है वो है हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन, देखिए हाइपोगाइनस कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन फ्लावर में होती है जब गाइनोशियम कम होता है साइज में एज कंपेयर टू एंड्रोशियम। ठीक है ना, जैसे हम यहां पे देखेंगे, देखिए बेटा, हम यहां पे देखते हैं गाइनोशियम का। देखिए बेटा, यह है गाइनोशियम, यह है एंड्रोशियम। गाइनोशियम जो है ना ये साइज में क्या है, छोटा है। किससे छोटा है? एंड्रोशियम से। इसका मतलब है जब गाइनोशियम साइज में छोटा होता है एज कंपेयर टू एंड्रोशियम, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन, और जब एंड्रोशियम छोटा होता है उसको हम हाइपोएंड्रस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वाली टर्म जो हमारे पास है वो है बेटा पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन, देखिए पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, मैनी, मल्टीपल। ठीक है ना, पॉलीएंड्रस कंडीशन, फ्लावर में कभी हालत ऐसी होती है, फ्लावर में एक कंडीशन कभी ऐसी भी होती है जब फ्लावर में एंड्रोशियम बहुत सारे होते हैं। जैसे देखिए, इस फ्लावर की एग्जांपल ले ले, अब यहां पे एंड्रोशियम 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे एंड्रोशियम है। इसका मतलब जब 3 से ज्यादा होता है तो हम पॉली बोलते हैं। तो यहां पे बहुत सारे एंड्रोशियम मेल पार्ट्स पाए जाते हैं एक फ्लावर में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन, कि जब फ्लावर में एंड्रोशियम बहुत सारे होते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। ठीक है ना बेटा, चलिए नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास है पॉलीगाइनस कंडीशन। पॉलीगाइनस कंडीशन, देखिए बेटा पॉलीगाइनस कंडीशन क्या होता है। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, गाइनस का मतलब होता है गाइनोशियम। जब फ्लावर में गाइनोशियम बहुत सारे होते हैं, छोड़िए एंड्रोशियम कितने हैं हमें उसके साथ गर्व नहीं, बट अगर फ्लावर में गाइनोशियम बहुत सारे हैं, जैसे ए गाइनोशियम है, देखिए बेटा यह दूसरा गाइनोशियम है, यह तीसरा गाइनोशियम है। ठीक है ना, यहां से एक और गाइनोशियम होगा। ठीक है ना, बहुत सारे गाइनोशियम जब फ्लावर में होते हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीगाइनस कंडीशन। ठीक है ना बेटा, चले नेक्स्ट वाले टर्म पे हम आते हैं, वह बेटा यूनिसेक्चुअल फ्लावर। यूनिसेक्चुअल फ्लावर, देखिए बेटा यूनिसेक्चुअल फ्लावर क्या होता है। यूनिसेक्चुअल, यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल, वन, यूनिसेक्चुअल फ्लावर। अगर फ्लावर ऐसा है कि उसमें एक ही सेक्स पाई जाती है, जैसे बेटा हम यहां पे स्ट्रक्चर देखते हैं, यह है हमारे पास बेटा फ्लावर। ठीक है ना, यह है फ्लावर कोई,
इस फ्लावर में खाली मेल पार्ट्स पाए जाते हैं, खाली सिर्फ मेल पार्ट्स, यहां बेटा मेल पार्ट्स, सिर्फ मेल पार्ट्स है ना, सिर्फ मेल पार्ट्स। तो ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिस फ्लावर में एक ही सेक्स पाई जाती है, या तो उसमें खाली मेल सेक्सेस पाई जाती है या तो उसमें खाली फीमेल सेक्सेस पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे ये फ्लावर है बेटा, इसमें खाली मेल सेक्सेस, यानी कि सिर्फ मेल सेक्सेस, अगर एक ही सेक्सेस पाई जाए, एक ही किस्म की सेक्सेस पाई जाती है, खाली मेल सेक्सेस या खाली फीमेल सेक्सेस दोनों नहीं, अगर एक ही किस्म की सेक्स पाई जाती है ना, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखिए इस फ्लावर में खाली मेल सेक्सेस, मेल इसकी सेम किस्म की सेक्सेस है, ठीक है ना। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, इसकी बेस्ट एग्जांपल है मलबरी, ये सॉरी वाटरमेलन, वाटरमेलन इसकी एग्जांपल है, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है ना, इसकी एग्जांपल है बेटा वाटरमेलन। वाटरमेलन में ऐसे फ्लावर्स होते, वाटरमेलन का जो प्लांट होता है बेटा, उसमें उस प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। क्या मतलब, वाटरमेलन के प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो तो यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि उनमें एक ही सेक्स पाई जाती है। मीन्स कि वाटरमेलन में जो फ्लावर्स हैं, या तो उनमें मेल सेक्स पाई जाती है, या तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं उनमें खाली फीमेल सेक्स पाई जाती है, दोनों फ्लावर्स नहीं उसमें पाए जाते, ठीक है ना। अब यानी कि दोनों फ्लावर्स का मतलब है कि ऐसा फ्लावर उसमें नहीं पाया जाता है जिसमें दोनों सेक्सेस होती है, उसमें अलग अलग किस्म की सेक्स, कुछ फ्लावर्स उसमें खाली मेल पार्ट, कुछ फ्लावर्स खाली उसमें फीमेल पार्ट, ठीक है ना। मीन्स की यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट वाली टर्म जो है बेटा रिगार्डिंग एंट्रेंस, वह है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब होता है डबल, टू, दो, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा कोई फ्लावर जिस फ्लावर में दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं। जैसे बेटा इधर के हमारे पास यह है फ्लावर, ये है एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल फ्लावर, इसमें मेल पार्ट भी पाया जाता है, यानी कि एंड्रोशन भी पाया जाता है और गायनोशन भी पाया जाता है, फीमेल पार्ट भी पाया जाता है ना। ऐसा कोई फ्लावर जिस फ्लावर में मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी उसी में पाया जाता है, दोनों पार्ट पाए जाते हैं, दोनों एसेंशियल पार्ट्स जब फ्लावर में पाए जाते हैं, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बेटा इसकी जो एग्जांपल है वह है मटर, जो हम खाते हैं मटर, उसका बॉटनी का नाम है पाइसम सटारो, जो पी होते हैं गार्डन पी, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल है बेटा पी है, मटर है, मस्टर्ड है, मस्टर्ड जो होता है बेटा, मस्टर्ड के, मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर होते हैं उस फ्लावर में दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, एंड्रोशन भी होता है गायनोशन भी होता है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। अब देखिए बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए बेटा, मोनोएशियस, मोनोएशियस, ई सी आई ओ यू एस, एशियस, मोनोएशियस प्लांट, फ्लावर नहीं, फ्लावर नहीं बेटा, मोनोएशियस प्लांट है। अब देखिए, देखिए मोनो का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यूनिक, अलग, तन्हा, इधर के मोनोएशियस, असल में साइंस नाम एशियस को क्या बोलते हैं, एशियस का मतलब होता है घर, ठीक है ना। मोनोएशियस प्लांट ये एक ऐसा प्लांट है जिसको एक ही घर है, क्या मतलब, देखिए बेटा ये है एक फ्लावर, ठीक है, इसको समझिए प्लीज। अब देखिए ये है एक फ्लावर, चलिए मैं अलग तरीके से आपको समझाता हूं बेटा। देखिए ये है हमारे पास एक प्लांट, ठीक है ना, एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है, इस ग्रीन कलर से मैं आपको दिखाता हूं फ्लावर्स, ठीक है ना। देखिए बेटा इसमें ये फ्लावर पाया जाता है, यानी कि अगर मैंने दो दो लकीरें बनाई आप समझे यह बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर मैंने एक ही लकीर बनाई आप समझे यह यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, देखिए बेटा, देखिए हमारे पास यह है एक प्लांट, ठीक है ना, इस प्लांट में जरा आप देखिए, देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स है, यहां से वो फ्लावर जिसमें दो सेक्सेस है, यहां से वो फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स, सर ये कौन सी सेक्स है, मे बी ये मेल फ्लावर हो सकता है,
इसमें खाली एंड्रोशियम हो सकता है, ये फीमेल फ्लावर हो सकता है इसमें खाली गायनोशियम हो सकता है, ठीक है ना। और ये वो फ्लावर है जिसमें एंड्रोशियम भी है गायनोशियम भी है ना। अब जरा आप मुझे बताए यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, ये जो प्लांट है ना बेटा, ये जो प्लांट है इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, मेरा मतलब है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना है, सेक्स इसको ट्रांसफर करना है ताकि बच्चा बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है? ताकि फ्लावर बनाना, नया प्लांट बनाना है। कैसे बनेगा? देखिए बेटा, ये प्लांट जो है ना, इसमें ये जो मेल फ्लावर है इससे आएगा पोलन ग्रेन, वो इस फीमेल फ्लावर के पास जाएगा ना। अरे जाएगा ना, यहां तो जाएगा वो बेटा, इधर रखे, ठीक है ना। और यहां से भी ये वाला फ्लावर, इसमें दोनों सेक्स है, यहीं से पोलन ग्रेन उठेगा, यहीं के ऊपर, इसी के ऊपर बैठेगा अपने फ्लावर में, और यहां से उठेगा तो यहां पे जाएगा। इसका मतलब इस प्लांट को दूसरा प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है।